नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा जी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख लेंगे, 25 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसको देखो करना क्या है आप लोग को, ये क्वेश्चंस तो आप देख ही लो, एक बार याद हो जाएगा। और एक चीज़ है, आप इसको जो है अपना बेस बनाओ और इसी लाइन पे जो है आप अपना प्रिपरेशन को उसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखो। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सो दैट हम लोग जो है रेगुलर बेसिस में आप लोग के लिए हर 25 क्वेश्चंस जो है रेलवे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको पूरा मिल जाएगा एक ही जगह पे, तो ज़रूर बने रहिए। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसा आता है, झीलम चेनब एंड झीलम। देखो जियोग्राफी, क्योंकि इस बार आपका बताया गया है साइंस है टॉपिक, जो पुराने नहीं है, साइंस छोड़ के साइंस एंड करंट अफेयर्स है, लेकिन वहाँ पे देखोगे तो जनरल अवेयरनेस की भी बात की गई है। तो मेरा सजेशन है पॉलिटी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी को भी कर लेना, और मिसलेनियस को तो अच्छा से कर ही लेना, ठीक है, जो हम लोग स्टैटिक जीके बोलते हैं। तो झीलम एंड चेनब एंड झीलम किसके ट्रिब्यूटरीज है, तो ये इंदास रिवर का जो है ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट देखो कितने, देखो ये आउट ऑफ द क्वेश्चंस, थोड़ा आपको आउट नॉलेज भी बढ़ाना पड़ता है। तो स्नूकर जो गेम्स होते हैं उसमें कितने बॉल्स रहते हैं, तो दैट इज 22, ठीक है। देखो उस टाइम का एक करंट अफेयर्स आया था ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, तो जो भी ऐसे होगा आप ज़रूर पढ़ लेना। और हेड्स का इंडिया टुडे में देखो आ जाता है, आप जो छोटा सा मैगजीन आता है 25 रुपया का, एग्जाम से पहले उसको ले लेना, ठीक है। जीके टुडे, तो जीके टुडे में क्या, इंडिया टुडे नहीं, जीके टुडे में क्या होता है, 25 रुपया छोटा बुक्स आते हैं, उसमें पूरे हेड्स सब कुछ दिया रहता है, तो ज़रूर वो देख लेना, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन 2016 में HL दत्तो जीते। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, देखो जब बारिश होने के बाद क्यों एक कौन सा जो एक स्मेल आता है, दैट इज़ ओजोन का एक स्मेल आता है। ओजोन क्या है, ये इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, ये मैंने डाल दिया, दैट इज़ ट्राई ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के 3 एटॉम्स है, उसीलिए हम लोग इसको ट्राई ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कब कौन से ईयर में आर्यभट्ट जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया था, दैट इज 1975, ठीक है। सॉइल का स्टडी कोई करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज पेडोलॉजी। तो सॉइल रिलेटेड जो भी स्टडी रिलेटेड है उसको एकदम अच्छा से पढ़ना, ठीक है, स्टडी जितने भी है अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चंस एक आएंगे ही। नेक्स्ट आ जाओ, INS विक्रांत को डीकमीशन कर दिया गया। डीकमीशन मतलब है आप चल रहा था, वो सर्विस दे रहा था, लेकिन उसका एज हो जाने के बाद उसको डीकमीशन कर, कमीशन मतलब कार्य में लाना, एंड डीकमीशन मतलब कार्य से आप बाहर कर दे रहे हो, मतलब उसका लाइफ खत्म हो चुका है। तो डीकमीशन कौन से ईयर में किया, दैट इज 1997 में, ठीक है। अच्छा रॉकेट हम लोग के इंडिया में कहाँ से लॉन्च होता है, दैट इज श्रीहरिकोटा से होता है, ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कौन सा ऑर्गन है जो नाइट्रोजीनियस कॉम्पाउंड फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से जो है नाइट्रोजीनियस कॉम्पाउंड को बाहर करता है, तो वो किडनी है, ठीक है, दैट इज किडनी हम लोग का नाइट्रोजन जितने भी वेस्ट है वो हम लोग का बाहर में निकाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, उस टाइम का देखो करंट अफेयर्स आया था, क्योंकि मैं इसको क्यों दे रहा हूँ, आप जब करंट अफेयर्स का भी प्रिपरेशन करें, देखो मैंने जो डेली का करंट अफेयर्स देता हूँ उसमें भी देखना, मैं जो भी हर दिन का अगर आप पढ़ोगे तभी जाके आप टोटल थ्रू आउट आप अच्छा होगा, नहीं तो आप मंथ का पढ़ोगे, टॉप 50 पढ़ोगे, तब 60 पढ़ोगे, वो उतना हेल्पफुल नहीं होता है जितना आप रेगुलर बेसिस में अगर करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करते थे। अब हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे हम डेली वाइज जो है नोट्स बना लेते थे, जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ ना डे वाइज, ऐसे मैं नोट्स बना लेता था अपना डायरी में या कॉपी में और मैं पढ़ता था, ठीक है। तो देखो वुमेन्स डबल्स टाइटल BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट, नाम ही कभी कोई नहीं सुनता है, क्यों, और एक रीज़न क्यों है, देखो सानिया मिर्ज़ा इसमें जीती है, ठीक है, तो ये रीज़न है। तो सानिया मिर्जा एंड मार्टिना हिंगिस ने ये वुमेन्स डबल जो है टाइटल जीत लिया था। नेक्स्ट देखो, विच इज़ द ओनली मेल इन द नेशनल वुमेन्स कमीशन। देखो ये क्यों पूछा गया, क्योंकि देखो नेशनल वुमेन्स कमीशन तो ऑब्वियसली वुमेन्स का ही ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसमें कोई अगर मेल कैंडिडेट है तो वो थोड़ा सा ये लॉजिक में भी क्वेश्चन आते हैं, तो दैट इज़ अलग रावत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हु केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीटिंग एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक नंबर एज इज अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल में, जो अरेंज होता है उसने किसने किया, डी मेंडेलीव ने किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ये दे सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये थोड़ा आउट ऑफ द, जीवन रक्षा पदक का कितने कैटेगरीज है, तो देखो 3 कैटेगरीज होता है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक एंड जीवन रक्षा पदक, सर्वोत्तम, उत्तम एंड रक्षा, तो 3 कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी किसके नाम पे है, किसने किया था, ब्रेंडन मैकेनम ने किया था, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन, साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है उस टाइम का? ब्रिजभूषण सरन सिंह, ठीक है, ब्रिजभूषण सरन सिंह। तो ये सब भी आपको याद रखना है। देखो ये नॉर्मल बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली कब कैपिटल बना इन विच ईयर 1911, पहले कौन सा था? कैलकाटा था, तो कैलकाटा अभी जो कोलकाता हो गया वो पहले 1911 तक जो है आपका इंडिया का कैपिटल था, उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। वन्य प्राणी डे 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी 2016 में। पाकिस्तान क्रिकेट एम्पायर जो बैन कर दिए थे 5 साल के लिए असद रौफ, कौन सा एनिमल, देखो जो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, कौन सा एनिमल फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड किया गया था नियोलिथिक पीपल के लिए? डॉग, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एनएसए, देखो ये एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया नहीं, जो अजीत डोवल जी है वो वाला नहीं है, ये एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यूएसए का है, ये एजेंसी यूएसए का इंटेलिजेंस विंग है नेशनल लेवल में, मतलब ये यूएसए एज अ होल ये कवर करता है, जो भी इंटेलिजेंस आउटपुट्स होते हैं ये दिया जाता है एंड गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर स्टेप्स लेती है, तो दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। और इंडिया में जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के कौन है? अजीत डोभाल जी हैं, जो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री एंड पीएमओ में वो अपना इंटेलिजेंस जो भी है और एडवाइस करते रहते हैं इंडिया को एज अ होल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट, बने थे फर्स्ट फीमेल जज एना चेंडी जी। उसके बाद कौन सा गैस बलून्स को फिल करता है? दैट इज हीलियम, हीलियम बलून्स में फिल किया जाते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज इनैक्टेड बाई द इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? दैट इज 42nd अमेंडमेंट। इसमें इतने सारे चेंजेस किए गए थे तो इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अरुणाचल प्रदेश में जब इमरजेंसी आया था तो प्रेसिडेंट को प्रोक्लेमेशन साइन करना पड़ता है, वो जो है दैट इज 356(1) आर्टिकल जो है 356(1) में वो साइन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपका कभी भी प्रेसिडेंट रूल लाना है कोई भी स्टेट में, तो जो कौन से आर्टिकल में वो साइन करेंगे प्रेसिडेंट? दैट इज आर्टिकल 356(1), ठीक है। अच्छा, पूना पैक्ट कौन से ईयर में हुआ था? तो 1932। डेट याद रखना, डेट नहीं था मैंने डेट डाल दिया 24 सितंबर, क्योंकि अभी जो है आपको रेलवे में सिर्फ ईयर नहीं आपको डेट भी याद रखना है, आपको डेट दे सकता है, तो पूना पैक 24 सितंबर 1932। पूना पैक था क्या? तो देखो पूना पैक में क्या हुआ था, आपको गांधी जी जो है फास्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे यदरव जेल पुणे में वहाँ पे B.R. अंबेडकर और बाकी जो भी दलित लीडर्स थे वो लोग एक एग्रीमेंट साइन किए थे, और उससे क्या हुआ, क्योंकि गांधी जी फास्ट नहीं तोड़ रहे थे तो उसीलिए ये एग्रीमेंट बना था उनका फास्ट तोड़ने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये ज़रूर डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, हम लोग पूरे जो है प्रिपरेशन आपके करा रहे हैं, आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या साइंस हो, या करंट अफेयर्स हो, सबका प्रिपरेशन चल रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस। जो नए हैं अपने दोस्त को भी, सभी को बताओ ये चैनल के बारे में, उनको शेयर करो वीडियोस को, सो दैट उनको भी पता चले, हेल्प हो, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे पूरा फ्री एडुकेशन जो है कराते हैं। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना। बाय बाय।